स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस टी माइनस ई पावर माइनस थ्री टी डिवाइड बाई टी डी टी विद इन द लिमिट्स ऑफ जीरो टू इन्फिनेट। अब देखो क्या करेंगे। देखो, इस इंटीग्रल को हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम सबसे ईजिएस्ट वे देखेंगे। इट्स लेस टाइम कंज्यूमिंग और काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। तो हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। पर लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने से पहले इस फंक्शन को हमें पहले लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में बनाना है। तो देखो, हमारे पास अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसका अगर हमें लैपलास निकालना हो, वो बराबर होता है जीरो टू इन्फिनाइट ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। अब इस फंक्शन को अगर हमें लैपलास लगाना है तो ये इस फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। देखो क्या करेंगे हम, इसको जीरो टू इन्फिनाइट ई पावर माइनस टी कॉमन लेंगे ऊपर से, ठीक है। अंदर बचेगा वन माइनस ई पावर माइनस टू टी, है ना, ई पावर माइनस टू टी, हाँ ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, डिवाइडेड बाई टी, यही बचेगा। और यहाँ पे डी टी है। देखो अब इसी फॉर्म में आ गया है। देखो e पावर माइनस एस टी की जगह पे e पावर माइनस टी है, ठीक है। एफ ऑफ टी की जगह पे वन माइनस ई पावर माइनस टू टी डिवाइडेड बाई टी है, और डी टी की जगह पे डी टी, ठीक है। अब देखो, अगर हमें इसका आंसर आ गया तो हमारा आंसर इस इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा। मैं कहता हूं आपको, अगर हमें इस फंक्शन का लैपलास आ गया, वन माइनस ई पावर माइनस टू टी डिवाइड बाई टी का लैपलास निकालना आ गया, फिर लास्ट में हम एस की जगह पे वन पुट करेंगे तो हमें इस पूरे इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा। पर हमें फाइंड क्या करना है, पहले एफ ऑफ एस। वो कैसे फाइंड करते हैं, हम लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी से। तो हमारे पास एफ ऑफ टी क्या है, वन माइनस ई पावर माइनस टू टी डिवाइडेड बाई टी, है ना। इसका अगर हमें लाप्लास आ गया तो हमें हमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा हमें आंसर। अब हम इसका लैपलास निकालने की कोशिश करेंगे। पहले मैं लैपलास निकालूंगा वन माइनस ई पावर माइनस टू टी का, ठीक है। तो लैपलास ऑफ वन माइनस ई पावर माइनस टू टी इज इक्वल टू, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन लीनियरिटी प्रॉपर्टी से, ये जो एल है लैपलास, ये वन के लिए भी है और ई पावर माइनस टू टी के लिए भी है, दोनों के लिए, ठीक है। तो लैपलास ऑफ वन जब हम करते हैं तो वो आता है वन अपॉन एस, ठीक है, भाग में माइनस। और लैपलास ऑफ ई पावर माइनस टू टी किसके बराबर है, वन अपॉन एस प्लस टू, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वैल्यू किसका, लाप्लास ऑफ दिस। हमें क्या चाहिए, लाप्लास ऑफ वन माइनस ई पावर माइनस टू टी डिवाइडेड बाई टी। देखो अब हम निकालते लाप्लास ऑफ वन माइनस ई पावर माइनस टू टी डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। देखो इसका लाप्लास हम कैसे निकालते हैं, देखो हमें पता है लैपलास ट्रांसफॉर्म डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है। अगर किसी फंक्शन के नीचे टी डिवाइडेड में हो, उसका लैपलास हमें निकालना हो, वो होता है बराबर इंटीग्रल फ्रॉम एस टू इन्फिनाइट एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस हमारा कितना है, वन अपॉन एस माइनस वन अपॉन एस प्लस टू डी एस। बस हमारा सोल्यूशन आ गया। तो ये तो फॉर्मूला होती है, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है कि अगर किसी फंक्शन के साथ टी डिवाइड में हो, उसका लैपलास हमें निकालना हो, दैट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इन्फिनाइट, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट्स एस टू इन्फिनाइट ऑफ एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस कितना है, वन अपॉन एस माइनस वन अपॉन एस प्लस टू डी एस, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एस कितना होता है, पता है, लॉग एस है, है ना, माइनस लॉग एस प्लस टू, और लिमिट्स हमारे कितने हैं, एस टू इन्फिनाइट, ठीक है। अब देखो यहां पर हम यहां पे एक, इसको मैं बोलूंगा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई। यहाँ पे एस की जगह पे हम इन्फिनाइट पुट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये होता है लॉग एम डिवाइडेड बाय एन, है कि नहीं, ऊपर आएगा एस टू इन्फिनाइट, है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इन्फिनाइट पुट करूं तो इसका सोल्यूशन भी ऐसे नहीं आएगा। देखो हम इसको क्या करेंगे, इन्फिनाइट कम से कम डिवाइड में होना चाहिए किसी, सपोज टू के डिवाइड में, तो वो जीरो बन जाएगा, फिर यहाँ पे वन रहेगा और लॉग वन का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर हम ऐसे लॉग इन्फिनाइट पुट करें तो उसका सोल्यूशन नहीं पॉसिबल होगा।
तो हम क्या करेंगे, लॉग ऊपर से एस कॉमन निकालेंगे, नीचे से भी एस कॉमन निकालेंगे। तो जब ऊपर से एस कॉमन निकाला वो वन रह गया, नीचे से जब एस लिया तो यहाँ पे वन वन बचा प्लस टू डिवाइडेड बाई एस, है ना। और जो कॉमन एस लिए वो आपस में कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे हम लिखेंगे एस टू इनफिनाइट, है ना। अब देखो जब मैं एस की जगह पे इनफिनाइट पुट करूंगा तो जीरो टू अपॉन इनफिनाइट कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। टू अपॉन इनफिनाइट हो गया जीरो, ये बचेगा यहाँ पे लॉग वन डिवाइडेड बाई वन, वो होता है लॉग वन, और लॉग वन कितना होता है, जीरो। तो अपर लिमिट में ये जो पूरी फंक्शन है जीरो हो जाएगी, माइनस लोअर लिमिट में सेम ही रहेगा, लॉग एस अपॉन एस प्लस टू, ठीक है। अब देखो यहां पर माइनस है, इसको इन्वर्स करके इसको प्लस बनाएंगे, ये बनेगा लॉग एस प्लस टू डिवाइडेड बाय एस। तो हमारा जो यहां पे आंसर है किसका, ये जो हमारा आंसर है किसका, लाप्लास ऑफ वन माइनस ई पावर माइनस टू टी डिवाइडेड बाई टी, लाप्लास ऑफ वन माइनस ई माइनस टू टी डिवाइडेड बाई टी, ये फन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो है आंसर इंटीग्रल का ऑलमोस्ट आ गया है, बट एक चीज हमें करना है, एस की जगह पे हमें क्या पुट करना है, यहाँ पे एस की जगह पे क्या है, वन है, ठीक है। ये होता है ना ई पावर माइनस एस टी, तो एस की जगह पे वन है, तो हम यहाँ पे एस में वन पुट करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आ जाएगा। सो पुट एस इज इक्वल टू वन, तो ये बन जाएगा हमारा लॉग थ्री, कितना बन जाएगा हमारे लॉग थ्री, तो आई थिंक लॉग थ्री हमारा आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है, लॉग थ्री हमारा आंसर है। चलो आई होप आपको पूरा समझ आया होगा, ये बहुत ही इजी है, और आप चाहे तो इससे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मेरे फ्रेंड्स में शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू।